मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ आपका दोस्त राजीव एक नई कविता को लेकर। आज की कविता का शीर्षक है आत्मविजय, योर पर्सनल विक्ट्री। आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। रण में जीतने से पहले खुद को जीतना पड़ता है, रण में जीतने से पहले खुद को जीतना पड़ता है, दूसरों को सिखाने से पहले खुद सीखना पड़ता है। गगनचुंबी मंजिल से पहले दुर्गम सड़क पर चलना पड़ता है, गगनचुंबी मंजिल से पहले दुर्गम सड़क पर चलना पड़ता है, विश्व क्रांति की आग जलाने से पहले खुद जलना पड़ता है। हे मानव, जागो और अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। हे मानव, जागो और अपनी अंदर की शक्ति को पहचानो। विश्व के शोरगुल में छिपी अपने जीवन के लक्ष्य को जानो। हे मानव, जागो और अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। विश्व के शोरगुल में छिपी अपने जीवन के लक्ष्य को जानो। सख्त चट्टानों को काटती अनवरत बहती सरिता में छिपा है जीवन का सार। सख्त चट्टानों को काटती अनवरत बहती सरिता में छिपा है जीवन का सार। परिश्रम, संयम, मर्यादा सहित कर्म पर ही है सिर्फ तुम्हारा अधिकार। सख्त चट्टानों को काटती अनवरत बहती सरिता में है छिपा जीवन का सार। परिश्रम, संयम, मर्यादा सहित कर्म पर ही है सिर्फ तुम्हारा अधिकार। एक दिन जब तुम अपने जीवन लक्ष्य को पाओगे, एक दिन जब तुम अपने जीवन लक्ष्य को पाओगे, आज के त्याग और संघर्ष का मूल्य तब जान पाओगे। एक दिन जब तुम अपने जीवन लक्ष्य को पाओगे, आज के त्याग और संघर्ष का मूल्य तब तुम जान पाओगे। अपनी मंजिल मिलने पर अपनी कठिनाइयों को नहीं भूलना। अपनी मंजिल मिलने पर अपनी कठिनाइयों को नहीं भूलना, तब तुम किसी और पथिक के का मार्गदर्शन जरूर करना। तब तुम किसी और पथिक का मार्गदर्शन जरूर करना। मैं आशा करता हूं कि आपको यह कविता पसंद आई होगी और इससे आपको अपने जीवन लक्ष्य की प्रेरणा मिली होगी और आपको परिश्रम और संयम के साथ काम करने का संदेश भी मिला होगा। मैं बहुत उत्सुक हूँ आपकी कमेंट जानने के लिए, तो कृपया अपने कमेंट जरूर शेयर करें। मैं हूँ आपका दोस्त राजीव, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।